हेलो फ्रेंड्स, तो आप ये जो एग करी देख रहे हैं ये एग कोरमा की रेसिपी है और ये वाइट ग्रेवी में बन के तैयार होती है। बहुत ही टेस्टी होती है। तो जब भी कुछ अलग बनाना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एग चाहिए और एग को हम बॉईल करेंगे। तो एग को बॉईल करने के लिए हमें पानी भी नॉर्मल टेम्परेचर में चाहिए और एग भी नॉर्मल टेम्परेचर में ही चाहिए। अब हम पानी में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और सिरका और तकरीबन 12 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। और जब हम 12 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे तो ठंडा होने के बाद हम इसे छील लेंगे। बहुत आसानी से ये छिलके इसके उतर जाते हैं। तो आप एक बार पानी में सिरका और नमक डाल के जरूर देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम कुछ कट्स लगाएंगे। आप चाहे तो नाइफ से लगाए या फोक की मदद से लगा ले। तो मैं यहाँ नाइफ की मदद से 3-4 कट लगा लूंगी, देखिए बिल्कुल इस तरह से, ताकि जो ग्रेवी होगी वो एग के अंदर तक जाए और हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो। अब एक पैन में गरम करें 2 चम्मच ऑयल और उसमें एग को फ्राई कर लेंगे। तो एग को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर नहीं चेंज होने देंगे। और ये देखिए, अब इसमें डालेंगे आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर। और ये देखिए, एग को हमें इतना ही फ्राई करना है। तो इसे मैं साइड रख देती हूँ। दूसरे पैन में मैं लेती हूँ 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है बारीक चॉप किए हुए। यहाँ पे मैंने प्याज लिया, लहसुन अदरक और हरी मिर्च। और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इसका कच्चापन हमें ख़त्म करना है। अब इसमें डाल दें आप 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी 2 मिनट भून लें। अब इसमें डालें थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 चम्मच मैंने मेलन सीड लिया है। और इसे भी 2 से 3 मिनट हल्का सा भून लें। और इसे आधा कप पानी डाल के इसको 3 से 4 मिनट पकने दें, ताकि जो बादाम काजू है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हम इस प्याज का बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इसे आप बहुत अच्छे से पीस ले और हो सके तो आप इसे छान भी ले। तो ये देखिए, ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया। अब एक कढ़ाई में गरम करें 2 चम्मच घी और उसमें डालें कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 1 दालचीनी। और पेस्ट डाल के इसको तब तक भुने जब तक कि इससे घी अलग ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घर का फ्रेश दही। और फ्रेश दही डाल के आप क्या करें, लो फ्लेम पे इसको पका ले 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें डालें वाइट पेपर पाउडर, नमक और डालें कसूरी मेथी और इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे 1 कप दूध। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दूध ही डालती हूँ। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए एग और थोड़ी सी लंबी कटी हुई हरी मिर्च। और ये हरी मिर्च डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत बढ़ जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। तो ये हमारा वाइट ग्रेवी में एग कोरमा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके घर में आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।